नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज होने वाला है 100 बॉल टूर्नामेंट का थर्ड मैच। जी हाँ, आज होने वाला है थर्ड मुकाबला, जो कि होने वाला है मैनचेस्टर ओरिजिनल और नॉर्थन सुपर चार्जर्स के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि ये जो 100 बॉल टूर्नामेंट है बहुत ही अजीबोगरीब है। 5 गेंदों का एक ओवर होता है, 100 बॉल की मैच होती है और भी कई सारे नियम जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि 100 बॉल टूर्नामेंट होता क्या है और क्या क्या उसमें अजीबोगरीब नियम रहते हैं। तो आज के इस मुकाबले की बात करते हैं, मैनचेस्टर ओरिजिनल और नॉर्दर्न सुपर जायंट सुपर चार्ज। देखिए, नाम भी बराबर याद नहीं है, मैनचेस्टर और नॉर्दर्न, इनके बीच मैच मुकाबला होने वाला है। थर्ड रहेगा इस टूर्नामेंट का मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले की प्रेडिक्शन जानेंगे, कौन सी टीम विनर हो सकती है, कौन से प्लेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, साथ ही प्लेइंग 11 क्या रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस मैच की जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच की प्रेडिक्शन टॉस की जानकारी कुछ मिनट पहले मालूम चल जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर क्रिकेट एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। इनके जो काम है ना, बहुत ही बढ़िया काम है, आपको मैच की प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेसी के साथ और मैच के सेशन की जानकारी भी प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इनका जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले की बात की जाए तो आज का दिन है शुक्रवार, ठीक है। मैनचेस्टर और नॉर्दर्न दोनों का स्वामी है मंगल, जो कि शत्रु है आज के दिन का शुक्रवार का। बट देखिए, मैनचेस्टर का जो कप्तान है अभी तक के रिवल नहीं हुआ है, बट जो नॉर्दर्न के कप्तान फाफ डु प्लेसिस शायद होंगे, तो इनकी अकॉर्डिंग इनका स्वामी है गुरु। और यदि हम दोस्तों बात की जाए दोनों ही टीमों की, दोनों ही टीमों का जो चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ चांसेस है बराबर है, यानी कि 50-50% हम कह सकते हैं दोनों ही टीमों के। बट लास्ट में फाइनली कौन सी टीम जीतेगी, इस वीडियो के अंदर में आपको पता चल जाएगा। पिच जो है दोस्तों, जो मैच है वो होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच में कहा जाता है कि यहाँ पे चेस बहुत बढ़िया होता है, चेस का ट्रैक है, डिफेंड नहीं होता है, तो बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी मैच को जीतने की। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की। आपको स्क्रीन पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 दिख रही है, यानी कि ये प्लेइंग 11 शायद आज के मुकाबले में उतर सकती है। दोस्तों, टूर्नामेंट में जो है ना, सारी टीमें बहुत ही बढ़िया है। आज की टीम की बात करें तो दोस्तों, मैनचेस्टर में आपको जोस बटलर और फिलिप सॉल्ट, आंद्रे रसल देखने को मिलेंगे। वही बात करें दोस्तों हम नॉर्दर्न की, तो यहाँ भी कमी नहीं है, यहाँ आपको फाफ डु प्लेसिस, बेन स्टोक और ल्यूक राइट बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे। ल्यूक राइट पिछले साल, इस साल क्या करते हैं देखना होगा, यानी कि आपको आज के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ प्लेयर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। कहना काफी मुश्किल है कौन सी टीम विनर हो सकती है, पर फिर भी हम कहते हैं कि आज के इस मुकाबले को देखा जाए, प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को ध्यान रख के, फॉर्म को ध्यान रख के देखें तो शायद आज के मुकाबले को नॉर्दर्न, जी हाँ, नॉर्दर्न की टीम जीत सकती है। तो हम जाने वाले हैं नॉर्दर्न की टीम के साथ में। आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।